समेली की बेटी बिस्नी चक चांदपुर गांव और गांव की बेटी बन गई है एसडीएम और पूरे क्षेत्र में कटिहार जिला का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन अभी बहुत खुशी हो रही है। आप एसडीएम बन गई हैं, रात जब आपका रिजल्ट आया होगा तो क्या आपको पता था कि आप एसडीएम बन जाएंगी? और आपने इंटरव्यू भी दिया है, कभी कभी लोग इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, लेकिन आप वहां भी सफल होके एक समझ के बेटी और छात्र मतलब स्टूडेंट हैं और गाँव में जो है बेटी का जो रूप होता है, और लेकिन आप एसडीएम बन गई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा बताइए? पहले तो मम्मी पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि इतना सपोर्ट मिला है घर से, घर में छात्रावास की फीलिंग मिली है हमेशा से, तो कभी एहसास नहीं हुआ कि फेल हो रही हूँ। तो जब फेलियर होता है तो बहुत डिमोटिवेशन होता है, लेकिन मम्मी पापा के सपोर्ट से हमेशा मोटिवेट होते रहे और आगे बढ़े। इतनी बड़ी सफलता और गाँव में जो जैसा हमारा समेली, आपका जहाँ समेली है प्रखंड पड़ता है और जिसनी चक चांदपुर, मुझे नहीं लगता है वहां से पहला कोई एसडीएम है, और आपने एसडीएम बन के जो परचम लहराया है पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, और इतनी बड़ी सफलता में आप किसका योगदान देना चाहती हैं आप? सबसे ज्यादा तो मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरे परिवार, मेरा भाई, मेरी दोनों बहनें, मेरे पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है। आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रही थी, इंजीनियरिंग करने के बाद और क्या आप, क्या मतलब था सपना, मतलब आप एसडीएम बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी, क्या बन गई, मतलब आपका जो सपना था क्या वो सपने को आप साकार कर गई? मेरा सपना यही था, साथ ही मेरी मम्मी और मेरे पापा का भी सपना यही था कि प्रशासनिक सेवा में ही जाए मेरी बेटी। थोड़ा आपके जीवनी पे चर्चा करेंगे, आपका शुरुआती शिक्षा जो होता है तो कहाँ पे शुरुआती शिक्षा हुई थी आप बताइए? मेरा तो अगर मैट्रिक की बात करें तो कटिहार से ही मैंने पढ़ाई की है, सब कटिहार से ही, मैट्रिक हरिशंकर नायक हाई स्कूल से किया, फिर इंटर किया सीताराम चमरिया इंटर कॉलेज से, उसके बाद मैंने पूर्णिया से अपना बीटेक का डिग्री किया था। ये जो आपका वीडियो देखेंगे, कितनी लड़कियां भी बनना चाहेंगे कि मैं भी बनूंगी रूपा कुमारी की तरह, हम भी बनेंगे एसडीएम रूपा। अब आपका जो लोगो रहेगा गेट के बाहर में वहां लिखा रहेगा एसडीएम, और जब आपका गाड़ी चलेगा तो आपके साथ गार्ड बॉडीगार्ड भी रहेंगे और एसडीएम बनेंगे, तो कैसा फील होगा आपको बताइए? फील तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था लेकिन हाँ। कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है एसडीएम बनने के लिए, क्या करना पड़ेगा आप बताइए, और जो मैं जो असफल हो गए हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो असफल हुए हैं उनको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, और साथ ही अगर घंटे पढ़ाई करने की बात करें तो घंटे मायने नहीं रखते हैं, आप जितनी भी देर पढ़ रहे हैं बस अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें और जितना पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ें। अभी देखते हैं, अभी जो है स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो आज तो हम 6 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा पढ़ लिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कितना घंटा सुबह में कितना पढ़ती थी, क्या करती थी, घर का काम भी करना पड़ता होगा शायद आपको, क्या बताइए? मम्मी कहती होगी चाय बना के दो, गेस्ट आए हैं, फिर वहां से भी आप सफलता आपको हाथ मिली है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। मम्मी मेरी काम तो मुझे नहीं करने देती थी, थोड़ा मैं हेल्प करती थी, ऐसा नहीं है, हेल्प करती थी मम्मी की, लेकिन मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट में ही रहती थी कि नहीं तुमको कुछ करना नहीं है, तुम तो बस पढ़ाई करो बस। अच्छा, आप इनकी बेटी रही हैं, बेटी है आपकी, बेटी है ये, तो क्या ये सफलता जो हाथ लगी आपकी बेटी की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि हम सोच ही रहे थे कि मेरी बेटी कुछ करे, मतलब कि जनता का सेवा करे, मतलब हमारा सपना ही था कि मेरा सभी बच्चा कुछ ना कुछ करके कामयाबी हासिल करे, इसीलिए हम कोई भी काम इनको नहीं बोलते थे करने का, कभी काल कोई आ जाता था तो चाय पानी बस तुम पढ़ते रहो अपना, मतलब दिमाग इधर उधर मत करो। आपको लगता था जिस तरह से पढ़ाई करती थी और आपको लगता था कॉन्फिडेंस था मेरी बेटी एसडीएम बन जाएगी? एकदम हमको लगता था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी ही, कोई भी अफसर बनना ही है इनको, ये हमें विश्वास था। अभी एसडीएम बन गई है, कैसा आपको फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आपका समाज सेवा में जैसा आप बता रही हैं, समाज सेवा मम्मी बोलती है, आपकी माँ बोलती है कि समाज सेवा, इस पे क्या आपका कहना है? आप एसडीएम बनिएगा, गरीब गुरबा से आपका सामना होगा और रोज आपके दरबार में जनता दरबार लगेगा और समस्या लोग लेके आएंगे, उस समस्या को आप कैसे सुनिएगा बताइए? मेरा तो समाज सेवा वही है, लोगों से जुड़ना है, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझना है और उनको न्याय दिलाने का काम करना है। और सर आप बताइए, आप क्या कौन से पद पे थे आप बताइए? हम प्रखंड शिक्षा प्रसार, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीओ की बेटी बन गई एसडीएम, तो क्या कहना चाहिए गाइस? मैं हम तो संतुष्ट हैं, बचपन से ही इसका ब्रेन बहुत सैचुरेटेड था और बहुत टैलेंट बचपन से ही था, तो घर में रह करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हम लोगों को भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है। और मेहनत, यह इस कमरे में एक कमरा इसको दे दिया गया था, इस कमरे के अंदर यह लैपटॉप पर जो करती थी, तो लगता था इसके हाव भाव से, इसके बोली चाली से कि यह कुछ प्रशासनिक इसमें लगता है। और हम कहना चाहते, कहाँ पढ़ाते थे, कोई ट्यूशन भी पढ़ाई की है, क्या की है जो एसडीएम बनी है? नहीं, इसके लिए इसने सारी तैयारी घर पर ही किया है। सबसे बड़ी बात है कोई स्टूडेंट, मतलब
कोई टीचर इनको नहीं, मतलब ये है कि जो बाहर में पढ़ते हैं पटना दिल्ली में, बिना पटना दिल्ली के गए भी आप एसडीएम बन गए? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर किया, कुछ यूट्यूब से कुछ सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज का हेल्प लिया और बाकी सेल्फ स्टडी। कितने लोग बाहर चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, 10 लाख 12 लाख कितने का जमीन बिक जाता है, कहीं ना कहीं असफलता हाथ लग जाती है, और आप घर में बिना कोचिंग के और आप एसडीएम बन गई हैं। इस पे क्या थोड़ा बताइए कि कैसे पढ़ाई करती थी, कम से कम आपको देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हम भी रूपा कुमारी जैसा बने। मैंने कभी असफलताओं से कभी डिमोटिवेट होने का कोई ही नहीं, मतलब मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते रहे कि तुम बस करते रहो, कोई बात नहीं, असफल हो रही हो कोई बात नहीं, तो इसलिए मोटिवेटेड रहती थी हमेशा और अपना आगे का एग्जाम देते रहती थी। क्या सेल्फ स्टडी करते थे घर में बिना कोचिंग का? बड़े बड़े कोचिंग खुल गए हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, सब डंका बजाते हैं मेरे क्षेत्र से ये एसडीएम बन गए, ये बन गए, बड़का बड़का बोर्ड लगता है उनका, तो आप बिना कोचिंग के? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता है, बिना कोचिंग के आपने सफलता हासिल की है। इसके लिए मतलब सबसे अच्छा जरूरी यही है कि आप सिलेबस को समझ लें अगर अच्छे से, तो आप बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं। सिलेबस को समझ लें, एग्जाम के पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। घर में भी तैयारी कर सकते हैं, एसडीएम बन जाएंगे? जी कर सकते हैं। जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट का खुद का ही क्रेडिट होता है कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। कोचिंग से आपको रिसोर्स मिल जाते हैं लेकिन आप रिसोर्स खुद भी क्रिएट पढ़ना होगा तो ईमानदारी से पढ़ना होगा। हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ, कभी छोड़ना नहीं है पढ़ाई को, बस करते रहना है। देखिए सर, अच्छा आप बन गई है, अब ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, तो आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, जब आपकी बच्ची, जब आप घर में रहते होंगे, कभी कभी आते होंगे, तो आप कहे थे कभी अपनी बेटी को कि मेरे से भी ज्यादा ऊपर वाला पदाधिकारी बनो बेटी? ऐसा तो हम लोग नहीं कहे, हम यही कहे कि हमारा काम है शिक्षा देना, बच्चा नौकरी करेगी इसके लिए मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, और आगे पढ़ना तो पढ़ते रहो, शिक्षा जब प्राप्त कर लेगी तो कभी ना कभी शिक्षा अपने आप में तुमको वह ज्ञान जो है प्रस्फुटित होकर कोई बड़ा फलाफल देगा, ये मैंने सभी बच्चों को दिया। आपका सर घर कहाँ पे रहा है? मेरा घर बिजनी चौक चांदपुर है, समेली प्रखंड, समेली प्रखंड में है। सर आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और सुबह में आपसे फोन से बात भी हुई और आपने ही मुझे बुलाया यहाँ पे, और ज्यादा आप भी मतलब क्या है आप बताइए सर, थोड़ा बहुत खुश भी लग रहा है। मेरे भतीजे रूपा है और हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद से रिटायर किए हैं, दोनों भाई, मतलब दोनों भाई भी एक साथ, दोनों भाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कम्प्लीट किए थे और दोनों भाई रिटायर कर गए हैं, लेकिन हमें लगता था कि मेरे भतीजी जो रूपा है पढ़ने में तेज है और बहुत मेधावी थी, तो हम चाहते थे कि हमारे भतीजे अच्छी करे, और हमारे परिवार में कोई प्रशासनिक पद पर नहीं था तो ये प्रशासनिक पद में आवे, और जब एसडीएम कम्प्लीट किया तो सबसे बड़ी हम दोनों भाई को खुशी हुई कि दोनों भाई बीओ थे और मेरे भतीजे आज एसडीएम बन रही है, तो हम लोग तो एसडीएम के मैंने पद और मर्यादा को और सम्मान को जानते हैं, तो हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरी भतीजी एसडीएम बनी है और मेहनत के बल पर। सर एक तो आप दोनों बीओ हैं, आप दोनों ने तो नाम रोशन किया ही समाज का, और आपकी भतीजी और आपकी बेटी भी नाम रोशन कर दी है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? और मेरा परिवार में मेरी भतीजी सबसे पहले एसडीएम बनी है, हालांकि मेरे भैया डायरेक्टर IIT आईएसएम धनबाद डायरेक्टर रह चुके हैं परिवार में, और हमारे भी हैं ऐसी, मैंने अमेरिका में जाकर वॉलमार्ट में भतीजी डायरेक्टर रह चुके हैं, SEO रह चुके हैं, और आज रूपा भी उसी लाइन में आगे बढ़ी है, मेरी बेटी भी इंजीनियर है, भतीजा भी, दामाद भी इंजीनियर है, भतीजा भी इंजीनियर है, परिवार में सारे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, आज रूपा भी उसी पद चुनाव चलते हुए आज सिविल में आगे बढ़ी है, प्रशासनिक पद। बहुत बड़ी बात है, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं और अमिताभ बच्चन बराबर कहते रहते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और जब बचपन में हम भी पढ़ते थे, करत करत अभ्यात जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान, क्या सही बात है जी, मेहनत करते रहना है और सबको सफलता जरूर। जो असफल हो गए हैं अगर उसको आज चयनित नहीं हो पाया है तो क्या कहना चाहिएगा, कैसे वो चयनित होंगे, आप इस पे भी थोड़ा बता दीजिए। बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफल होंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी, बस पढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।